भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा पहले टेस्ट मैच के बाद दूसरा टेस्ट मैच जो है उसका पहला दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। जी हाँ, भारतीय टीम जहां अपने 100 रन के करीब है और रोहित शर्मा ने शानदार 50 जड़ा, वहीं दूसरी तरफ भारत की 3 बड़ी विकेटें पहले ही सेशन में गिर चुकी हैं। शुभमन गिल और पुजारा के आउट होने के बाद मोइन अली की ड्रीम गेंद जो कि 20वें ओवर में आई विराट कोहली को भौचक्का कर गई। दरअसल इस ओवर की तीसरी गेंद पर मोइन अली ने विराट कोहली को टिपिकल लेग स्पिन डाल दी, जिसके बाद विराट कोहली बोल्ड हो। हालांकि कुछ समय तक तो मैदान पर नज़ारा कुछ और ही दिखा। विराट कोहली को यकीन ही नहीं हुआ कि गेंद अचानक अंदर कैसे घुस गई और उनका विकेट कैसे ले गई, क्योंकि यहां पर भारत को जिस तरीके से ये विकेट गंवाना पड़ा है ये बहुत बड़ा विकेट है। हम सभी जानते हैं कि विराट पिछले टेस्ट मैच में फॉर्म में लौट चुके थे और उनकी पारी कितनी ज़्यादा अहम हो सकती थी भारतीय टीम के लिए, क्योंकि बिल्कुल टर्निंग विकेट पर ये मुकाबला है और जिस तरीके से विराट कोहली अगर अच्छी बल्लेबाजी करते तो भारत को इससे ज़बरदस्त फ़ायदा होता। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया यहाँ पर इस झटके से बहुत जल्द उभरे, क्योंकि रोहित शर्मा फिलहाल क्रीज पर नाबाद हैं, सेट दिख रहे हैं। रोहित का सिर्फ अब शतक ही नहीं बल्कि रोहित का एक दोहरा शतक भी इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम को चाहिए होगा। फिलहाल रोहित शर्मा बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, शानदार तरीके से 70 नाबाद उन्होंने रन बनाए हैं, लेकिन भारत के 3 बड़े विकेट भी गिर चुके हैं और टीम इंडिया का स्कोर अब धीरे धीरे 100 के पास पहुंच रहा है। और जिस तरीके से आज मोइन अली की गेंदों पर चौका पड़ा है, हम ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया यहां पर मैच को काफ़ी ज़्यादा आगे से ले जाना चाहेगी, क्योंकि भारतीय टीम जानती है इस मैच की अहमियत, क्योंकि ये टेस्ट मैच अगर हाथ से गया या ड्रॉ भी हुआ तो इससे बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है टीम इंडिया। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। We'll be right back.